नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इस वर्ष का आखिरी मौका, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आरटी के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो तो ये आपका आखिरी चांस है और उसके बाद में आपको 2024 में ही ये मौका मिलने वाला है। तो किस प्रकार से आप अपने बच्चे का फ्री राइट टू एजुकेशन के अंदर अपना दाखिला कर सकते हो, जिससे वो राजस्थान सरकार के अंतर्गत बिल्कुल फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कहां पर जाकर आपको वो फॉर्म फिल करना होगा और उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, किस प्रकार से आप खुद से ही अपने मोबाइल फोन के द्वारा राइट टू एजुकेशन की साइट के ऊपर जाकर अपने बच्चे का अपना आरटी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के ऊपर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आ गए हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम आपको बताएंगे आरटी के तहत आप अपने बच्चे का निशुल्क फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से। उसकी उम्र आपकी 3 साल से 7 साल होना ज़रूरी है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आरटी की साइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, rajpsp.nic.in, और इसको आपको एंटर कर देना है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो ये आपकी साइट आ जाएगी। इसको पॉपअप मेनू को हम क्लोज़ कर देते हैं। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए छात्र ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये बिल्कुल नए पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया की आवश्यक सूचनाएँ आपको ये पढ़ लेनी है ध्यानपूर्वक। और ये पढ़ने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ये चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको आपके बच्चे की एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जिसकी 20 KB की करीब उसकी साइज़ होनी चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और माता पिता का आधार कार्ड चाहिए और उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का चयन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर हम कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे की अपने बर्थ सर्टिफिकेट से या फिर आधार कार्ड से डालनी है और यहाँ पर आपको आपकी वार्षिक आय यहाँ पर डाल देने की, आपकी वार्षिक आय कितनी है हम यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर अनाथ की स्थिति को नहीं कर देना है, इसको भी आपको नहीं कर देना है, इसको आपको नहीं कर देना है। लिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर विकलांगता को आपको नहीं कर देना, अगर है तो आपको ध्यानपूर्वक भरना है। बीपीएल स्थिति में आते हैं तो हाँ करिए, अन्यथा नहीं कर देना। नहीं करने के बाद में ये पात्रता जांच है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आपका पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। आप द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर बालक आरटी के तहत ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया एक्स बटन के ऊपर क्लिक करके मैसेज बॉक्स को बंद करें और आवेदन के लिए सूचनाएँ भरें। तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम परिवार स्थिति की सूचना भरते हैं, यानी कि हमारी जो भी स्टूडेंट है जिसका फॉर्म हमें भरना है उसकी हमें सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं स्क्रीन को ब्लर कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको किसी प्रकार की असुविधा हो। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संपूर्ण मदद करने की। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम भर देना है, तो स्क्रीन को मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे का हमें आधार नंबर भर देना है, यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर लेना है बच्चे का, पिता का नाम हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पिता का नाम हमने भर दिया, पिता का आधार नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर माता का नाम हमें डाल देना है, माता का आधार नंबर हमें लिख देना है। यहाँ पर संरक्षक की स्थिति में ना होने की स्थिति में हमें नाम डाल देना है, तो यहाँ पर हम पिता का नाम ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर पिता का आधार संख्या में डाल देनी है।
यहाँ पर आपको अपनी जन आधार संख्या डाल देनी है, और यहाँ पर जन आधार संख्या में भरने वाले बच्चे का, स्टूडेंट्स का जो व्यक्तिगत पहचान संख्या है वो आपको डाल देनी है। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। माता पिता का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको ज़रूर डालनी है। ये डालने के बाद में आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जिस ज़िले से आप भर रहे हैं, जिस ज़िले से आप रहते हैं। ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम आपको सेलेक्ट कर लेना आपका, जिस गांव से आप आवेदन करना चाहते हो, जिस स्कूल में आपको भरना है, और यहां पर अपना गांव आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको पता लिख देना, अपना पता क्या है। ये लिखने के बाद में यहाँ पर आपको बच्चे की फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर आपने फ़ोटो रखी है आपको फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है। हम बिल्कुल अपलोड करते हैं अभी, और ये बच्चे की फ़ोटो हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर बच्चे का माता पिता का एड्रेस का प्रूफ आपको अपलोड कर देना है, यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ पर बच्चे का आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना माता पिता का, और यहाँ पर ये कैप्चर आपको लिख देना है, जो कैप्चर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर आवेदन पत्र को डाटा सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए, जो हमने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर हमारा एक OTP सेंड होगा, और अभी थोड़ा नेट की प्रोसेस स्लो है। और ये देखिए OTP का मैसेज आ गया हमारे पास, यहाँ पर OTP हमें डाल देना है। यहाँ पर हम OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद में कंफर्म हमें कर देना है। कंफर्म पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास ये आवेदन क्रमांक आ जाएगा और ये हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो ये हमें नोट करके रख लेना है। इसको ओके कर देना है, तो ओके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में हमें ये फिर से एक बार कैप्चर कोड हमारा यहाँ पर टाइप करना है, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें वैसे ही लिखना है, और इसको यहाँ पर आकर हमें आवेदन पत्र डाटा सेव कर देना है। हम सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव होने के बाद में ये आ जाएगा, बालक से संबंधित सूचनाएँ को अपडेट कर दिया गया है, इसको हमें क्रॉस कर देना है। फिर हमें स्कूल का चयन करना है, हमें स्कूल यहाँ पे दिखा देगा जो गांव हमने सेलेक्ट किया था। जिस भी स्कूल में हमें डालना है हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 स्कूल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक स्कूल सेलेक्ट कर ली, दूसरी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ये ठीक है, 2 स्कूल हमने सेलेक्ट कर ली, तीसरी हम यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 स्कूल हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ से हमारी पंचायत समिति हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, गांव का हम आसपास का एरिया भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्राम वार्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हो। फिर हम तीसरी स्कूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम चौथी स्कूल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम हमारे स्कूलों का चयन करेंगे, जिस भी स्कूल में हमें डालना है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, तो 5 स्कूल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 विद्यालयों का सिलेक्शन करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आवेदन पत्र आपका आ जाएगा, जो भी स्कूल का चयन किया था आपको ध्यानपूर्वक देख लेना, सबका नंबर आ जाएगा, आपको क्रॉस चेक कर लेना है एक बार ध्यानपूर्वक, जिस भी स्कूल में आपको करना है वही स्कूल आपको ने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा नेट स्लो है, तो ये देखिए नेक्स्ट करने के बाद में आपका आवेदन पत्र आपका भर के सामने आ जाएगा, बच्चे की फ़ोटो आ जाएगी, सारी की सारी उसके रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आवेदन क्रमांक आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा विद्यालय की डिटेल आ जाएगी,
और यहाँ पर आपको आ जाएगा आवेदन पत्र को सुरक्षित एवं लॉक करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक बार लॉक हो गया तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई बदलाव नहीं करना है तो आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक कर देते हैं आप। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका आवेदन पत्र लॉक हो जाएगा और फाइनल लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है बिल्कुल फिल हो चुका होगा और वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप नीचे आएंगे आपको सारी की सारी डिटेल दिखाएगा और लॉटरी पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट करें इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एक पीडीएफ फाइल यहां पे डाउनलोड हो जाएगी। आपको इसको ओपन कर लेना है और ये पीडीएफ फाइल को आपको निकाल लेना है और ये प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने पास रख लेना है। और फिर इसकी जब लॉटरी की डेट आए, ये 12 तारीख को शाम को 4 बजे हमारी निकलेगी, तो आपको ये चेक कर लेना, जहाँ पर आपका आ जाता है उसको आपको लॉक कर लेना है और ये आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हो, यानी कि आरटी के तहत अपने बच्चे को जिस चाहे इस स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, आप जल्दी कीजिए क्योंकि आखिरी मौका है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको फिर अगली बार 2024 में ही ये मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यही कुछ छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर, और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।